असलकम स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर नंबर फोर जो कि बेस कर रहा है चैप्टर नंबर वन के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हम चैप्टर पढ़ रहे थे और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट हमने देख लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में से अब हमने स्टडी करना है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रेटर जैसा कि आप वाइट पे देख सकते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है नेटवर्क तो के रिसोर्स को मैनेज करना एंड मॉनिटर करना ओके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो नेटवर्क के रिसोर्स को मैनेज करता है उनको मॉनिटर करता है उनको ऑब्ज़र्व करता है वो देखता है कि नेटवर्क रिसोर्सिस में से किसी को कुछ मसला तो नहीं आ रहा किसी रिसोर्स को नेटवर्क रिसोर्स को किसी मसला तो नहीं आ रहा ठीक है अब नेटवर्क रिसोर्स से हमारी यहाँ पे क्या मुराद है नेटवर्क रिसोर्स कोई राउटर भी हो सकता है कोई स्विच भी हो सकता है कोई कम्युनिकेशन लाइन भी हो सकती है जिसके थ्रू एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है इसके अलावा हमारे पास अगर तीन से चार अदद कंप्यूटर्स हैं ठीक है वन टू थ्री फोर ये पीसीज़ हैं और ये एक नेटवर्क में हमारे साथ एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंटर है वो भी क्या है एक नेटवर्क रिसोर्स किसी वजह से अगर प्रिंटर काम नहीं करता ठीक है तो ये क्या होगा कि हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अगर प्रिंटर काम नहीं कर रहा तो वो मैसेज देगा एन पी के ऊपर के प्रिंटर जो है आपका नेटवर्क रिसोर्स वो काम नहीं कर रहा इसके बाद हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट में ये हमें सलाहियत मौजूद है कि हम लोग दो या तीन या चार नेट कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं जैसा कि मैं आपको एक डायग्राम में बना के दिखाती हूँ एक राउटर है और हमारे पास पांच अदद पीसीज हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो कि डिफ़रेंट यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं और ये राउटर आगे किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है ओके okay, सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ मौजूद होती हैं और ये क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं जो कि सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी काम के लिए और सर्वर उनको रिप्लाई करता है यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट्स राउटर के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड हैं तो नेटवर्क मैनेजमेंट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये प्रिविलेज प्रोवाइड करता है कि वो क्लाइंट्स के जो यूज़र कंप्यूटर्स हैं इनके ग्रुप्स बना दे फॉर एक्ज़ाम्पल फर्स्ट थ्री यूज़र्स को ग्रुप वन का हिस्सा बना दे और नेक्स्ट टू जो लास्ट टू हैं इनको ग्रुप टू का हिस्सा बना दे ओके okay? तो नेटवर्क मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ ये है वो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि किसी कोई भी नेटवर्क रिसोर्स अगर फेल हो जाए या कोई भी उसको मसला आ जाए तो उसको नोटिफाई करता है सेकेंडली वो कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के अंदर हमें अलाउ करता है कि डिफरेंट क्लाइंट्स को हम लोग एक ग्रुप की फॉर्म में बना सकें इसके अलावा नेटवर्क रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो करता है असाइन राइट्स फॉर एग्जांपल सर्वर के पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है अब वो असाइन करेगा नेटवर्क मैनेजमेंट कि जो जी वन है वो इस फाइल को यूज़ कर सके लेकिन जी टू को उसने राइट्स असाइन नहीं किए जी टू अब इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते ठीक तो हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग लिमिटेशन रख सकते हैं लिमिटेशन रख सकते हैं कि हम लोग कोई चीज़ किसी स्पेसिफिक ग्रुप को अलाउ करें और किसी स्पेसिफिक ग्रुप को अलाउ ना करें इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोटेक्शन सिस्टम एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया नेटवर्क मैनेजमेंट में से ये कि नेटवर्क रिसोर्सेज को अगर शेयर करना हो फॉर एक्ज़ाम्पल ये तीन कम्प्यूटर्स ये पाँच कम्प्यूटर्स हैं इन्होंने प्रिंटर को शेयर करना है तो प्रिटिंग सिस्टम का जो नेटवर्क मैनेजमेंट की फंक्शन है का फैसिलिटी है वो डिसाइड करेगी किस पी सी ने पहले प्रिंटर को एक्सेस करना है और किसने बाद में एक्सेस करना है क्योंकि तीनों अगर पाँचों पी पीसी सेम टाइम पर प्रिंटर को रिक्वेस्ट करें कि हमें प्रिंटर यूज़ करना है तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन का यहाँ पर काम आ जाता है कि वो डिसाइड करे कि, कि किसको प्रिंटर देना है और किसको प्रिंटर अभी नहीं देना है किसको बाद में देना है अब हम शिफ्ट करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम पर प्रोटेक्शन सिस्टम हमें ये राइट देता है कि हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट कर एक्सेस सर्टेन यूज़र्स को लिमिट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र वन है इसको लिमिटेड एक्सेस दें इसको किसी फाइल की एक्सेस दें किसी फाइल की एक्सेस ना दें तो ये सब हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंश्योर्स डेट ईच रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेज गिवेन टू द यूजर बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ओके एक यूजर वन है एक यूजर टू है ये पीसी है और इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि इस पी को मैनेज करे इसके इस पी के ऊपर एक फाइल वन है ओके अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने यूज़र वन को ये राइट दिया कि वो फाइल को एक्सेस कर सकेगा तो तब ही यूज़र वन इस फ़ाइल को दे सक देख सकते हैं अदरवाइज़ अगर यूज़र उसको ने एक्सेस नहीं दी तो वो फ़ाइल वन को एक्सेस नहीं कर सकता ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमांड इंटरप्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया हो अगर की भी है तो आप लोगों को पता होगा कि एक ब्लैक सी स्क्रीन होती है ठीक है उसके ऊपर आप अपनी कमांड्स लिखते हैं ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग लिखते हैं सी डी ए बी सी ओके तो कमांड इंटरप्रेटर हमें अलाउ करता है कि हम लोग कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें किसी कमांड के थ्रू ये एक फ़ाइल होती है ठीक है कमांड इंटरप्रेटर क्या है एक फ़ाइल है जो कि अलाउ करती है यूज़र्स को कि वो कोई कमांड लिख सके एंड देन वो क्या होगा कि कमांड इंटरप्रेटर हमारी कमांड्स को रीड करेगा एंड देन सिस्टम हमारी कमांड्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा जैसे हमारी मैंने भी बताया कमांड प्रॉमे सी एम डी डॉट ई एक्स एक फ़ाइल है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम कंप्यूटर को कमांड्स दें एंड देन वो सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उन हमारी कमांड्स को रीड करेगा और हमारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देगा ओके okay? और हम जो भी कमांड देते हैं वो एज इन टैक्स की फॉर्म में देते हैं टैक्स हम कहाँ से एंटर करते हैं कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल मैंने कमांड दी कोई भी सीडी की कमांड दी तो सीडी मैं कीबोर्ड से एंटर करूँगी और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड करेगा एंड देन इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस में से इतना ही इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट में फर्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये कि प्रोसेस क्या हो कहला होता है ओके व्हाट इज अ प्रोसेस प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्ज़ीक्यूशन जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में चला जाए तो वो प्रोसेस बन जाता है आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी भी है ओके आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का ठीक है कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का जब आपने उसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी अभी तक उस प्रोग्राम को रन नहीं किया उसे उससे वो काम नहीं लिया खाली आपने स्टेटमेंट्स लिख दी तो वो क्या कहलाता है प्रोग्राम जब आप इस प्रोग्राम को सी को अलॉट कर देंगे और सी इस प्रोग्राम वन के ऊपर काम करना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम एक प्रोसेस बन गया ओके फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ठीक है कोई एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट अभी तक मैंने ओपन नहीं किया जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करूँगी ये प्रोग्राम एक प्रोसेस बन जाएगा ओके okay? इस प्रोग्राम की एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी क्योंकि सीपीयू इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देगा सीपीयू इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा ओके सो अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम हमारे पास जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ होता है ओके हार्ड डिस्क में हमारे पास प्रोग्राम पड़ा हुआ है अब हमने इसको डबल क्लिक किया तो क्या हुआ कि इसका एक प्रोसेस क्रिएट हुआ और अब ये सीपीयू में काम आ, करना सीपीयू इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया और अब ये क्या कहलाएगा एक प्रोसेस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन इन रैम तो हमने स्टडी करनी है वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस के एक प्रोग्राम को जब हम लोग ओपन करते हैं जब वो प्रोसेस बन जाता है तो वो किन किन स्टेट्स से गुजरता है मतलब कि किन किन कंडीशंस से वो हमारा प्रोसेस गुजरता है ओके डिफरेंट हालतें जिस पर से एक प्रोसेस गुजरे उसको हम लोग कहते हैं स्टेट्स ऑफ अ प्रोग्रेस प्रोसेस अब हमारे पास यहाँ पे फाइव डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं न्यू स्टेट रेडी स्टेट रनिंग स्टेट ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट सबसे पहले हम लोग न्यू स्टेट को देखेंगे जैसा कि नाम से ज़ाहिर है न्यू स्टेट के अभी अभी कोई चीज़ क्रिएट की गई अभी अभी प्रोसेस न्यूली क्रिएट हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम एस वर्ड का मैंने अभी पहले भी एग्जाम्पल दी है इसकी एम एस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करना चाहेंगे तो इस एम एस वर्ड की एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी ओके okay? तो न्यू स्टेट का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस या फिर हम कहेंगे न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस कि जैसे ही एक डॉक्यूमेंट को एक सॉफ्टवेयर को एक एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर को जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन किया गया तो वो फौरी तौर पे एक न्यू स्टेट में आ जाएगा और एक न्यू प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हमारे पास आती है जैसे ही एक प्रोसेस न्यू क्रिएट हो गई उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो आती है वो आती है रेडी स्टेट ओके रेडी स्टेट का क्या मतलब है कि हमारी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गई है ओके एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो गई है लेकिन अभी तक इसको सीपीयू का इंतज़ार है एक प्रोसेस पी वन रैम में मौजूद है ठीक है वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए लेकिन यहाँ पर सीपीयू जो है वो बिजी है अभी तक इस प्रोसेस को पी वन को सीपीयू नहीं दिया गया तो हम लोग कहेंगे कि P1 अभी रेडी स्टेट में है जब तक सी नहीं मिलता हमारी P1 स्टेट को तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा और हम उसको कहेंगे कि वो रेडी स्टेट में है इसके बाद हमारे पास आती है रेडी स्टेट जब P1 को सी पी अवेलेबल हो जाएगा सी पी के ऊपर काम करना शुरू हो जाएगा एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि हमारी प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गई है ओके बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर सी पी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके इसको प्रोसेसर भी कहा जाएगा तो सी पी कर दिया गया है पी वन को इसलिए P जो प्रोसेस वन है अब वो रनिंग स्टेट में आ गई है ओके अब हमारे पास हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है पी वन ठीक एक वर्ड का डॉक्यूमेंट था अब हम उस वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्या करना चाहते हैं प्रिंट करना चाहते हैं इसको ज़रूरत है किसी प्रिंटर की किसी भी इनपुट आउटपुट रिसोर्स की ज़रूरत है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है लेकिन ये डिवाइस अभी बिजी है ओके अभी ये किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर या किसी और प्रोसेस के ऊपर काम करी है तो हमारा जो प्रोसेस है वो चली जाएगी वेटिंग स्टेट पे या फिर ब्लॉक स्टेट पे, जब तक उसको प्रिंटर नहीं मिलेगा वो वेटिंग स्टेट वो वेट करेगी प्रिंटर का ओके तो वो किस में चली जाएगी प्रोसेस वेटिंग या फिर ब्लॉक स्टेट में चली जाएगी जैसे ही ये प्रिंटर फ्री हो जाएगा पी वन यहाँ पर आ जाएगी ठीक तो ये अब क्या हुआ अब ये वेटिंग स्टेट से बाहर निकल आई है ओके नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है वो टर्मिनेटेड स्टेट है हमारे यहाँ पर प्रिंटर इसको मिल गया हमारी प्रोसेस ने प्रिंटिंग भी कर ली अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस वन अब किस में आ जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट में हो सकता है कि इसको प्रिंटर की ज़रूरत इतना होती यहाँ ही सी पी यू इस पर काम की कम्प्लीट uh, कर लेता और फिर ये कहाँ पर आ जाती जब सी पी यू इस, इस पर काम कम्प्लीट कर लेता पी वन का सारा काम कम्प्लीट हो जाता ये अगेन टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाती नेक्स्ट हमने देखना है इसको मैं एक डायग्रामेटिकली ड्रॉ करती हूँ एंड देन एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड आप लोग करवाने की कोशिश करती हूँ पांच डिफरेंट स्टेट्स मैंने ड्रा कर ली हैं सबसे पहले हमने एम एस के डॉक्यूमेंट को लेते हैं जैसे ही एम एस के डॉक्यूमेंट पे मैंने डबल क्लिक किया एम एस वर्ड पर तो वो किस स्टेट में आ गया न्यू स्टेट में अभी तक सी पी यू ने उसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया ओके okay, वो वेट कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट हो जाए सी के टाइम के लिए वेट कर रहा है ओके वेट अंटिल सी पी यू इज असाइंड जैसे ही सी पी यू असाइन हो जाएगा तो हमारी प्रोसेस चली जाएगी रनिंग स्टेट के ऊपर यहाँ पे एक और टर्म आती है डिस्पैच हमारी प्रोसेस डिस्पैच हो जाएगी ओके ये सीपीयू के पास चली जाएगी और अब सीपीयू इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा इसलिए हम लोग इसको कहेंगे रनिंग स्टेट अब हमारी प्रोसेस को जरूरत है किसी हो सकता है कि हमारी प्रोसेस को किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत ना हो कुछ भी इस पर ना करना हो बस यहीं पे सीपीयू ने इसके ऊपर काम किया और अब ये प्रोसेस फिनिश हो गई ये आ गई टर्मिनेटेड स्टेट के ऊपर मतलब कि हमारा काम कंप्लीट हो गया ठीक लेकिन हो सकता है कि हमारी एक सिचुएशन आ सकती है कि हमारी प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत हो ठीक है तो ये आयो डिवाइस रिक्वायर्ड तो ये चली गई वेटिंग स्टेट के ऊपर वो वेट कर रही है कि आयो डिवाइस फ्री हो तो मुझे मिले जब प्रोसेस को यहाँ पर आयो डिवाइस अवेलेबल हो गई समझो उसने कुछ प्रिंट करना था उसको प्रिंटर अवेलेबल हो गया उसने प्रिंटिंग का काम कर लिया तो वो अगेन चली जाएगी रेडी स्टेट के ऊपर अब वो जितना काम एक हुआ हुआ था एक प्रोसेस का समझे यहाँ पर उसको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी इतना काम हो गया यहाँ पर प्रिंटिंग का काम भी वेटिंग स्टेट में वो वेट कर रही थी प्रिंटिंग का काम भी हो गया अब उसका बाकी काम कंप्लीट होना है तो वो बाकी काम कंप्लीट करने के लिए दोबारा रेडी स्टेट में चली जाएगी और इंतज़ार करेगी कि दोबारा ये प्रोसेस डिस्पैच हो दोबारा सी फ्री हो इस प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू करें ओके दैन दोबारा वो रेडी से रनिंग स्टेट पर जाएगी सी पी अवेलेबल हो गया रनिंग स्टेट में आ गई एंड देन अगर उसने अपना काम कम्प्लीट हो गया उसका तो वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर दोबारा किसी प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगी ओके आई होप इस डायग्रामेटिकली समझाने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है इंटरप्ट का ओके okay? इंटरप्ट क्या होता है समझे यहाँ पर जो रन हो रही थी प्रोसेस ये थी पी वन ओके हो सकता है एक और प्रोसेस यहाँ पर आ जाए पी टू और पी टू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो ज़्यादा हमारे हमें रिक्वायर्ड हो कि सी पी यू पी टू के ऊपर काम करे तो पी टू क्या करेगी एक इंटरप्ट हमारे पास जनरेट होगा ठीक है इंटरप्शन आएगा कि P1 वन को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दो और पी टू पर काम करना शुरू कर दो ठीक है पी टू ने क्या क्रिएट किया एक इंटरप्शन क्रिएट की क्योंकि ये मोर इम्पॉर्टेंट था तो यहाँ पर हमारे पास पी टू पर सी पी यू काम करना शुरू कर देगा और पी वन कहाँ चली जाएगी रेडी स्टेट में हमारे पास चली जाएगी जब पी टू पर काम कम्प्लीट हो जाएगा जब वो टर्मिनेटेड स्टेट पर आ जाएगी तो फिर पी वन जो कि रेडी स्टेट में आ चुकी थी दोबारा यहाँ से उठ के रनिंग स्टेट में चली जाएगी एंड देन अगर उसका काम कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेटेड अगर दोबारा किसी आयो डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुई और वो डिवाइस बिजी हुई तो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी आज के लिए इतना ही आई होप आप सबको समझ आ गया होगा एंड खुल के क्वेश्चन करें कुछ समझ नहीं आता तो मुझे डायरेक्टली बोलें कि नहीं आ रहा समझ या कोई भी इशू है किस तरह वीडियो लेक्चर्स को बेहतर बनाया जाए उसके लिए भी गाइडलाइंस दें प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज